निशाना सीधा और सीधा मुस्लिम पर है कि मैंने पहलू खां की पहले बार जो बैरोड में हुई उसकी हत्या को सामने देखा और पूरी पॉलिसी मेकिंग में मुसलमान नीचे से सरपंच के तौर पर या पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कहीं नजर नहीं आ रहा। भारत का एस्टेब्लिशमेंट इसलिए हुआ क्योंकि गांधी ने विश्वास दिलवाया था कि सिख और मुसलमान को हम पूरे सब बराबर के हक देंगे, वो यहाँ आए, वो पाकिस्तान या कहीं और ना जाए। गाय का सवाल है, गाय की रक्षा मैंने मेवात में गांव गांव घूम कर देखा है। मुस्लिम जो है जितनी गाय की सेवा करता है, बल्कि हमने बड़ी गलती की है, जो गाय की सेवा करता है उसी को गाय से अलग कर दिया। हमने कहा कि अगर मुसलमानों को नमाज कहीं और अदा नहीं करने दे रही तो वो आ जाओ गुरुद्वारे में, हम नमाज अदा करवा देंगे। सिख और मुस्लिम एक मंच पर आ गए तो फिर ये रास्ता बंद हो जाएगा। तो हमारे साथ में ऑल इंडिया पीस मिशन के दया सिंह हमारे साथ में मौजूद हैं, जो आज मेवात पर जो घटना हुई मेवात में, तो ऐसी घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है। और एक तरफ जिस आपने जिक्र किया था कि हिंदू राष्ट्र को भी लेकर आपने जो बयान दिया था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और जो गाय रक्षा के नाम पर दो युवाओं की हत्या कर दी गई और भी तमाम ऐसी घटनाएं आ रही हैं, लेकिन हमारी संसद जो है वो मौन है इन घटनाओं पर। मेरा ये कहना था कि मैंने पहलू खां की पहले बार जो बैरोड में हुई उसकी हत्या को सामने देखा है, उसके बाद अकबर खां की हत्या हुई, अब इस बार ये दो हत्याएं और हो गई। मैंने एक लोकसभा का चुनाव अलवर से इसलिए लड़ा कि मैं वो पूछना चाहता था कि किस हालात में हम लेकर देश को लेकर जा रहे हैं। मेरा कोई चुनाव जीतने या हारने का सवाल नहीं था, मैं तो केवल आजाद तौर पर मैंने कुछ 14 सवाल लिखे, 7 सवाल नरेंद्र मोदी जी के सामने रखे, 5 सवाल राहुल गांधी के सामने रखे, 1 सवाल मायावती के सामने रखा और 1 सवाल डॉक्टर करण सिंह जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनके सामने रखा कि बैरोड में आपके जनपद पर ये काम हो जाए तो आपको चुनाव लड़ने का क्या हक रह जाता है। मेरा ये कहना है कि ये जो नफरत का माहौल हम पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं ये बड़ा तकलीफ दे है। नफरत और दो बात और हमारे सामने है, एक तो पहले बार सिखों को एलिनिएट कर दिया गया मेन स्ट्रीम से, आज उसको टोटल एलिनिएशन आ गया, उसके बाद अब मुसलमान को पूरा एलिनिएशन के रास्ते पर चला गए और पूरी पॉलिसी मेकिंग में मुसलमान नीचे से सरपंच के तौर पर या पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कहीं नजर नहीं आ रहा। जो सत्ता पक्ष है उसके पास कोई, क्योंकि वो रखना ही नहीं चाहते। तो मेरा ये कहना है कि इतने बड़े सिस्टम को जो 22% है आप उसको क्यों एलिनिएट कर रहे हो? अगर आप उसको एलिनिएशन करना चाहते हो फिर देश को कहाँ खड़ा करोगे? देश का पिलर कहाँ है? भारत का एस्टेब्लिशमेंट इसलिए हुआ क्योंकि गांधी ने विश्वास दिलवाया था कि सिख और मुसलमान को हम पूरे सब बराबर के हक देंगे, वो यहाँ आए, वो पाकिस्तान या कहीं और ना जाए। सिख और मुसलमान इसी भारत का हिस्सा बने, इसलिए हम भारत का हिस्सा बने। आपने संविधान में हक दे दिया, ये बहुत बड़ी बात थी, पर मेरा ये कहना था कि गांधी की हत्या इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने सिख और मुसलमान को आश्वासन दिया था। जो हिंदू माइंडसेट है वो इसको बदल नहीं सका, उसके मन में कहा रहा कि नहीं हमने तो इसको हिंदू राष्ट्र बनाना। और ये जो 1925 का जो आरएसएस का एजेंडा है, गोलवालकर का एजेंडा है, उस एजेंडे को पूरा करने के लिए अब 100वां वर्ष है। वो सोच रहे हैं कि शायद सिख को तो हम नहीं कर सके और सिख को शायद हम अपने साथ जज़्ब भी कर लें, जैसे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हुई या दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध, वहाँ तो अब आरएसएस का ही वर्चस्व, आदमी ही उन्हीं के एस्टेब्लिश हो गए। तो मेरा ये कहना है कि इस हालात में अब आप देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? तो सवाल ये, जहां तक गाय का सवाल है, गाय की रक्षा मैंने मेवात में गांव गांव घूम कर देखा है। मुस्लिम जो है जितनी गाय की सेवा करता है, बल्कि हमने बड़ी गलती की है, जो गाय की सेवा करता है उसी को गाय से अलग कर दिया, ये बहुत बड़ी गलती की। वही गाय का गोबर करता था, वही वहां दूध और सारे काम करवाता था, तो मुझे मेवात में कोई ऐसा नहीं लगा, बल्कि मुझे तो गुजरात से रेगुलर NH-8 पर आप देखें तो गाय का जो पूरे का पूरा झुंड नजर आता है, वो दिल्ली की तरफ और अगर यूपी की तरफ तो किस लिए आता है, गुजरात से आकर यहाँ किस लिए जाता है? तो मेरा ये कहना है कि सवाल गाय का है नहीं, निशाना सीधा और सीधा मुस्लिम पर है। हमें ये देखना पड़ेगा जो सेकुलर लोग हैं, जो लिबरल हिंदू अपने आप को कह रहा है, उस हिंदू की जिम्मेदारी है कि हम सबको मिलकर रहना है, हम सबको मिलकर साथ साथ चलना है। मैं जयपुर में एक मीटिंग को एड्रेस कर रहा था तो आपकी तरह ANI वाले ने मुझे कहा
के जनाब जिनके बारे में आप बोल के आ रहे हो वो तो 10.5 करोड़ मिस कॉल मेंबर हैं। मैंने कहा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि उनके पास 10.5 करोड़ मिस कॉल मेंबर हैं, उनमें से 6 करोड़ तो राम रहीम के हैं जिनको अनिल विज जो गृह मंत्री हरियाणा के उन्होंने कहा कि हम उसको इसलिए नहीं रोक सके कि 6 करोड़ है उसके पास। तो मैंने कहा 6 करोड़ वो माइनस कर दो। एक और बाबा हैं जो सलवार कमीज पहन के भागे थे रामलीला मैदान से, तो उनके भी 2 करोड़ तो होंगे, तो 2 करोड़ वो माइनस कर दो, फिर कितने रह गए? 2.5 करोड़ रह गए। तो 2.5 करोड़ एक श्री श्री रविशंकर हैं जो राजस्थान में नक्सली ढूंढ रहे थे सरकारी स्कूलों में, तो 2.5 करोड़ तो इंटरनेशनल बाबा हैं, 2.5 करोड़ तो उनके भी होंगे। तो इसका मतलब है कोई 0 है जिनको मैं एड्रेस करके आया हूँ। 22% तो वो हैं, अगर सिख इकट्ठे कर दिए जाए तो 2.5% वो, 3% वो, तो 25 करोड़ तो वही है, 25% तो वही है, तो आप किसकी बात कर रहे हो? तीसरी बात, ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि मैं, मुझे याद है 13 महीने किसान आंदोलन खड़ा रहा। हमने क्या किया कि गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा गुड़गांव में एक NDTV पर वो आया, हमने कहा कि अगर मुसलमानों को नमाज कहीं और अदा नहीं करने दे रही तो वो आ जाओ गुरुद्वारे में, हम नमाज अदा करवा देंगे। उसी 19 तारीख को नमाज अदा होनी थी। ऐसा नहीं है कि वो किसानों से डर गए थे, उनके मन में आया अगर सिख और मुस्लिम एक मंच पर आ गए तो फिर ये रास्ता बंद हो जाएगा। तो नतीजा ये हुआ कि 19 नवंबर था, गुरु नानक का गुरुपर्व था, उसी दिन हमने 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उसी दिन नमाज अदा होनी थी, और उसी समय 9 बजे 9:30 बजे देश के माननीय प्रधानमंत्री बाहर आए, उन्होंने शाल ली और शाल लेकर उन्होंने अनाउंस किया कि मैं 3 बिल वापस ले रहा हूँ। तो तीनों बिल वापस क्यों ले रहे थे? वो किसान तो 13 महीने से 700 आदमी मर गए थे उनके, तो क्या हुआ था वहाँ तो यूपी में? तो मेरा ये मानना है कि इस समय जरूरत इस बात की है, जो नफरत का माहौल अब हमने 17 अप्रैल को पूना में ऑल इंडिया पीस मिशन की तरफ से एक सेमिनार रखा, उसमें गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रशांत कुमार जी भी गए, मोहम्मद अदीब मुस्लिम की तरफ से गए, तो एक सहमे उसके बाद मुस्लिम ने अपनी मीटिंग की गांधी पीस फाउंडेशन में। अभी हमने अभी पिछले महीने ही मीटिंग की है, उसमें हमने तय किया कि गांधीयन को मिलकर सिख और मुस्लिम को मिलकर एक रास्ता तय करना चाहिए ताकि हम एक दूसरे के साथ मिलकर ये जो नफरत का माहौल खत्म हो सके। अभी 9 और 10 को उदयपुर में ऐसा ही सांप्रदायिकता के विरोध में एक सम्मेलन हो रहा है, और मिलकर चलें, मिलकर बैठें, मिलकर ही आगे रास्ता है। ये देश हम सबका है और सबको मिलकर चलना है। बहुत 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 धन्यवाद आप सर।